ये 45 दिन के अंदर आपकी तैयारी में इतना ड्रामेटिक चेंज लेकर आएगी कि आप एग्जाम देने से पहले ही 100% श्योर हो जाएंगे कि अब की बार कोविड जाए ना जाए, लेकिन हमारे डिजीलॉकर के अंदर हमारे सीटेट का सर्टिफिकेट ज़रूर आ जाएगा। तो एक एक सेकंड जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, तो आपने अपने लिए इस पूरी वीडियो को देखकर बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए थैंक यू। आपकी रियल लाइफ में अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कोई टीचर आपको सलाह दे देता है कि आपको ऐसे प्लानिंग करनी है जिससे सीटेट में आपके 120 नंबर आ जाएं, तो आप उसे 100% मान लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा होता है आपके लालच की वजह से। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है सीटेट का और दिन रह गए हैं 45, और आप चाहते हैं कि ये मौका चूके ना, तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने लास्ट 45 डेज की प्लानिंग बताई है, जो आप अगर अपनाते हैं तो आपका सीटेट क्लियर होना 101% बिल्कुल तय है। पहली बात तो ये आप समझ लो। दूसरी बात ये कि जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा 120 प्लस, वहां पर मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, आप खुद वहां पर चलकर जाएंगे और इस पूरे तरीके को जो समझ गया वो 45 दिन के अंदर अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। अपने आप से ये पूरा प्रॉमिस करो कि जो बातें इसमें देखोगे उसको पूरा मत अपनाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर आप अपना गए तो आप 100% क्लियर कर जाएंगे। वैसे तो आपके लिए जो प्लानिंग है वो आप ही जो है डिसाइड कर सकते हैं सबसे अच्छी, इसीलिए आपने देखा होगा कि YouTube पर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो रणनीति देखते हैं वो लगने में, दिखने में, समझने में, सुनने में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उन रणनीतियों को अपनाने लगते हैं पहली प्रॉब्लम ये आती है कि उन चीज़ों को आप डेली कर नहीं पाते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार उस प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ तो मैं रह गया। दूसरा, वो प्लानिंग आपको कंफ्यूज कर देती है खुद के ऊपर डाउट करने के लिए। लेकिन इस वीडियो को मैं क्यों आप लोगों के सामने लेकर आया कि ये जो भी पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये सभी पॉइंट्स आपको आपकी झोली में सीटेट का एग्ज़ाम ला कर रख देंगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपसे रिलेटेड हैं। और जो ये चैलेंज ले गया इन 45 दिनों में से, शुरू के 15 दिन भी इन तरीके से पढ़ गया, वो नीचे आकर कमेंट करेगा कि सर ये मैंने 15 दिन पहले शुरू कर दिया होता तो जहां पर मेरे 110 नंबर आ रहे हैं आपका ये मिनिमम टारगेट में पूरा कर लेता, लेकिन अभी भी हो सकता है। बकायदा आप जाग जाएं और सही तरीके से अपनी तैयारी करें। सबसे पहली बात तो ये कि अभी टाइम आपके पास बचा है 45 डेज। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि इन पूरे 45 डेज के अंदर आपको शुरुआत में ही अभी एक दो दिन के अंदर ये पहचान लेना है कि मैं किन चीजों में कमजोर हूं, किन चीजों में कमजोर नहीं हूं। डिवाइड योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी, और आप ये देखेंगे ज़्यादा केसेस में कि आपके दो सब्जेक्ट वीक हैं। अगर आपके दो सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट वीक है, मान लो आपका मैथ्स और इंग्लिश वीक है और उसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट और वीक है, तो जो आपके वीक और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको तो पहले डिवाइड करो शुरुआती दिनों में ही अभी, और उसके बाद आप दूसरे पॉइंट की तरफ जाओ जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो अभी टाइम बचा है आपके पास, ये ना तो ज़्यादा है ना कम है। इस टाइम में आप मिक्स अप्रोच कर दो अपना। सब्जेक्टिव का मतलब है कि जो आपको सब्जेक्ट टफ लगते हैं उनके चैप्टर्स पढ़ना आप शुरू कर दो, उनकी वीडियोस देखना आप शुरू कर दो, उनको क्वेश्चंस के रूप में मत लो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के थ्रू कभी भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं बनेगी। उस टाइम पर तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आप अभी क्वेश्चन के रूप में कर रहे हैं उससे आगे कुछ नहीं है, वो बस ऐसा है कि जलने के बाद थोड़ी देर बर्फ़ रख दी जाए, जैसे बर्फ़ पिघलेगी जलन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही जब नए क्वेश्चंस आएंगे
आपकी जलन स्टार्ट होगी और आपकी मैडम गुरुजी जो आपको कहते थे सिर्फ क्वेश्चंस करो, डिफिकल्ट अगर आपको लगता है तो आप कर नहीं पाओगे। तो आप सब्जेक्टिव अप्रोच रखें जिनके अंदर आप काफ़ी उलझते हैं, और जो ईजी लगते हैं उनके क्वेश्चंस दबा के करो, आप उनके क्वेश्चन दबा के करो। तो ये अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, फाइंड आउट करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इन्हीं दिनों के लिए ये बेस्ट होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 150 क्वेश्चंस आपको हर वीक करने हैं, एक बार एक जगह पर बैठकर। आपने देखा होगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में लोग टिप्स देते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, आप किसी टिप्स के उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर, और ना ही आप जो है कोई मेंटल बैटल लड़ते हैं अंदर एग्जाम में कि आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज आपसे इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप उन 5 सब्जेक्ट में से कि जिन सब्जेक्ट में थोड़े कमज़ोर हैं उसमें इतना ज़्यादा टाइम ले लेंगे। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप किसी चीज़ में जितना टाइम दे रखा है उससे दुगना टाइम लेते हैं या इतना टाइम लेते हैं कि फिर बाद में आपको बाकी की चीज़ों को करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ये पता लगता है घर पर बैठकर। 99% स्टूडेंट्स हर हफ्ते एक टाइम पर 150 क्वेश्चन नहीं करते। याद रखना 100 में से 99 नहीं करते। आप अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद आपने हर हफ्ते ये काम किया नहीं किया होगा, बाकी लोगों ने भी नहीं किया है। अपने आप को अगर बाकियों से रेस में आगे रखना है खुद की संतुष्टि के लिए, तो आपको अंधेरे में जलना पड़ेगा, आपको वो काम करने पड़ेंगे जो बाकी दुनिया नहीं करती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप 150 क्वेश्चन बैठकर एक टाइम पर हर हफ्ते करने लग जाओ, सीटेट आपका रुक नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं आपकी। तो याद रखना 150 क्वेश्चन एक वीक में कर लोगे तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। अगर ज्यादा टाइम किसी सब्जेक्ट में लगता है, आपको पहले से ही पता होगा, और आदमी ये है ऐसा होता है कि जिस चीज़ की दिक्कत होती है उसको सॉल्व कर लेता है, लेकिन दिक्कत पहले पता चलनी चाहिए, एग्जाम के दौरान नहीं। तो इसीलिए ज़रूर करें, और अगले जो वीडियो के कुछ क्षण होने वाले हैं उनको मिस मत कर देना। अगला है पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट। CDP के अलावा बाकी के 4 सब्जेक्ट में पेडागोजी का सेक्शन आता है, और पेडागोजी का सेक्शन इतना मुश्किल नहीं आता है, बिल्कुल वही क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस ईयर में थे। तो किसी भी प्लानिंग में अगर आपको ये कहा जाए कि प्रीवियस ईयर देखो, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है आप देखेंगे। तो आपको सब्जेक्ट की पेडागोजी को पढ़ना शुरू कर देना है। तो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, मिस नहीं करनी है, यही टाइम है अंडरस्टैंडिंग बनाने का। उसके बाद टेक आउट डेली टाइम फॉर पैसेज। एक तो 150 क्वेश्चन आप हर हफ्ते करेंगे तो उससे टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे और आपको एग्जाम का प्रेशर भी फील नहीं होगा। फिर टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होती है जब आप इंग्लिश की पैसेज के अंदर टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। हिंदी आपकी मातृभाषा है, पढ़ने में आसान होती है नॉर्थ इंडियन के लिए, तो वो जल्दी से जो है आंसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन दिक्कत फंस जाती है इंग्लिश की पैसेज में। तो इंग्लिश की पैसेज आपको हर दूसरे तीसरे दिन करनी पड़ेगी, एक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप डेली भी एक पैसेज करने लग गए तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके पास लास्ट में इतना टाइम होगा कि मैं कुछ जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं कि बाद में देखूंगा, उनके लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। और ये चीज़ भी आप मान के चलो कि अगर आप डेली टाइम निकालते हो एक पैसेज करने को, 5 से 7 या 10 मिनट लगेंगे और आप इतने तगड़े हो जाओगे कि लास्ट में 5 मिनट से भी बहुत पहले कर लोगे। 100 में से 99 स्टूडेंट इस चीज को भी नहीं करते, वो डेली पैसेज के लिए टाइम नहीं निकालते। तो आप पैसेज के लिए टाइम निकालो, ये 2 काम जो बाकी नहीं करते ना आपने कर लिए। मेरा इसमें फायदा नहीं है, लेकिन सफल हो जाओगे आप। दूसरों से अलग बनना है आपको और अपने आप को इन्वेस्ट करना है पढ़ाई में लास्ट के 45 डेज में। छठा प्लान, प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वीडियोस देखकर समझ में आता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बुक पढ़ के समझ में आता है। तो जिस तरीके से आप समझते हैं वो तरीका अपनाएं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में।
अब कई बार क्या होता है कि आप वीडियोस देखते हैं और उनके अंदर एमसीक्यू करते हैं, लेकिन आप जो है अपनी बुक के अंदर या मॉक टेस्ट जो आपके सामने होता है उसमें आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको कोई यूट्यूबर या टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो आपको थोड़ी सी स्काफ होल्डिंग करता है और आपको लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो हम इजीली कर लेंगे, या फिर जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली उनको देखकर सेटिस्फाई हो जाते हैं। यही तरीका है यूट्यूबर्स का, टीचर्स का स्टूडेंट्स को फेल कराने का, और यही कारण है भारी जनता का सीटेट के अंदर फेल होने का। इजी तरीका उन्हें चाहिए, मुश्किल तरीका नहीं, सिंपल तरीका कि आप डेली अपने आप क्वेश्चंस करो, वो नहीं करते हैं। तो याद रखना कि आपको अपनी नीड के हिसाब से जो है पढ़ना है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। हमारा तो आपको समझाने का काम है। सातवां प्लान, बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश आप देखिए। इस पूरी तैयारी में ज़्यादातर टाइम आपका निकालते हैं मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत, इंग्लिश में स्टूडेंट्स को दिक्कत। तो इसका निवारण क्या है कि मुश्किल चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आएंगी। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल मैथ्स और इंग्लिश करिए, रिपीटेड चीज़ें हैं। तो जो आपके सिर पर प्रेशर है इन दो टफ चीज़ों का, उनको थोड़ा सा कम कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सीटेट में। इन 45 दिनों के अंदर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनके तहत आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम को क्लियर करेंगे। अब चकाचौंध भरी वीडियो नहीं थी, और ना ही इस वीडियो में कुछ महंगे महंगे कृत्रिम हमने जो है साधनों का प्रयोग किया। एक सिंपल सा ब्लैक बोर्ड और एक सिंपल से पेन से और एक सिंपल से मोबाइल से ये वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी होगी और जो इसका प्रभाव आपके सीटेट की तैयारी के ऊपर पड़ेगा, एग्जाम के बाद थैंक यू आके मुझे बोलोगे कि सर 45 दिन के अंदर जो क्रिस्टल क्लियर जो रास्ता है सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने का आपने हमें बताया, और ये 45 दिन के अंदर आपकी तैयारी में इतना ड्रामेटिक चेंज लेकर आएगी कि आप एग्जाम देने से पहले ही 100% श्योर हो जाएंगे कि अब की बार कोविड जाए ना जाए, लेकिन हमारे डिजी लॉकर के अंदर हमारे सीटेट का सर्टिफिकेट ज़रूर आ जाएगा। तो एक एक सेकंड जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, तो आपने अपने लिए इस पूरी वीडियो को देखकर बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोज़ आएंगी, आप बस तैयारी करते रहें। टेक केयर दोस्तों।